ऑफ ऑल हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले क्लास 10 पर स्ट्रीम आप कैसे चूज कर सकते हैं अपनी, ठीक है। देखिए एक बात सुनिए मेरी, हम आपको स्ट्रीम चूज करना कैसे बता सकते हैं, ठीक है। क्या मैं आपका पोटेंशियल जानता हूँ? नहीं जानता। क्या मैं आपका ये जानता हूँ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग है? क्या मैं ये जानता हूँ कि आपको क्या पसंद है, कौन से सब्जेक्ट पसंद है? हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है, मैथ पसंद है, साइंस पसंद है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, मैं क्या जानता हूँ? नहीं जानता, ठीक है। फिर वीडियो क्यों बनाई दिया? देखो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको बता सकूं, अवेयर करा सकूं कि आपको आपके फ्रेंड्स को देख के कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर रहे, या फिर कोई चीज़ आपको फैमिली मेम्बर्स को देख के सिलेक्ट नहीं कर रहा है, भैया वो कर रहे हैं हम भी यही कर लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है लोगों ने। देखो क्या करना है आपको, अगर भैया बोलते हैं यूपीएससी क्रैक करना है हमें, यूपीएससी के लिए तो भैया तो आरसी ले, मन नहीं है, हम भी नहीं चाहते यूपीएससी क्रैक करना, लेकिन भैया बोलते हैं कि यूपीएससी के बाद जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं उसी चीज़ को करना चाहेंगे, हाँ भी ना। हाँ तो हमारा काम क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम उसे ना चूज करके हम वो चूज करें जो हमें पसंद है, भाई हमें जिसमें मजा आता है, हम वो चीज़ क्यों पसंद करें जिसमें हमारा थोड़ा सा भी पोटेंशियल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते उस चीज़ को, चाहे कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, हम उस चीज़ को क्यों करें जब हमारा उसमें पोटेंशियल ही नहीं है, हमारी उसमें खुद की ताकत होनी चाहिए ना भाई, पढ़ने में मजा आना चाहिए बिल्कुल। हाँ हम उस चीज़ को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक हमें उसमें मजा ना आए। उसमें पढ़ सकते हो क्या, यूपीएससी क्रैक कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या पता आपको आर्ट्स ना पसंद हो। वैसे आप इंजीनियर बन सकते हो क्या जब तक आपको मैथ और साइंस अच्छे ढंग से ना आती हो? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है, आपको किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपनी सुननी है, ठीक है। देखिए वो कैसे सुननी है, आपको एक पेपर लेना है, पेपर पर लिखना है कि भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, क्या मैं, मेरा पोटेंशियल क्या है, ये तो पता होना चाहिए भाई हमारा पोटेंशियल क्या है। ये नहीं सोचते कि हमारा पोटेंशियल क्या है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि अपना पोटेंशियल क्या है, मैं क्या ये चीज़ कर सकता हूँ, तो हाँ सही है, समझ रहे हो मेरी बात। क्या मैं कॉमर्स कर सकता हूँ, क्या ये सही है, ठीक है। क्या मैं आर्ट्स कर सकता हूँ, क्या मेरी इसमें ताकत है, इसके बाद मैं क्या करूँगा और जो करूँगा अपने दम पे करूँगा, मतलब खुद समझ के कुछ चीज़ें करनी होती। ऐसा नहीं कि फैमिली मेम्बर ने कुछ बताया आप सबकी सुनने जा रहे हो, नहीं, ठीक है। आपको एक पेपर लेना है, पेपर का बाकायदा लिखना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, लाइफ में करना क्या चाहते हो, क्योंकि क्लास 10 में बंदा बहुत छोटा होता है यार, उसको कुछ पता नहीं होता इतना, तो आपको खुद ही सोचना है अपने माइंड से, ठीक है। और नहीं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ हेल्प इसमें लीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि मेरे को मैथ तो पसंद है लेकिन साइंस ही नहीं पसंद, तो क्या करें, ठीक है। मतलब इस तरीके के सोल्यूशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन सुननी अपनी है, आपको क्या पसंद है। ऐसा ना हो कि आपको साइंस बोल दे तो साइंस ले लिया, ठीक है, इंजीनियर बनना है तो साइंस ही ले लिया, नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, फिर देखना है कि बहुत सारे रास्ते होंगे वहाँ तक जाने के, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक रास्ता सिलेक्ट करना है। कौन सा? सिर्फ एक रास्ता। ऐसा नहीं कि बहुत सारे रास्ते होंगे वहाँ तक जाने के, लेकिन आपको सिर्फ एक रास्ता सिलेक्ट करना है, और वो रास्ता ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही छोटा हो। समझ पा रहे हैं आप बात को? हाँ यार सही बात है कि नहीं। अगर आपको वहाँ तक जाना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटा रास्ता तुरंत पहुँच जाऊँगा यहाँ पे, या फिर बाकी की तरफ भूलना चाहते हैं, नहीं भाई भाग जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताता हूँ। देखो ऐसा क्या होता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें एक मिथ फैला रखा है। मिथ क्या है कि अरे भैया अगर 95% आ जाए तो हमें लेना है साइंस, हैं उससे थोड़े कम परसेंटेज आ रहे हैं 70-80 आ गए हैं तो हमें लेना है कॉमर्स, उससे कम जो बेकार बच्चे होते हैं क्या लेते हैं आर्ट्स लेते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल झूठे, बिल्कुल झूठे बातें हैं। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। क्योंकि देख सकते हैं आप 95 मेरे साथ जो बनता है 95% पे उसके उसने क्या लिया आर्ट्स लिया। क्यों? क्योंकि देखो क्या मैंने उससे जब पूछा तो उसने बोला देख भाई मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, मेरे को बहुत सारे रास्ते दिखे लेकिन सबसे आसान रास्ता यही दिखा है मेरे को वहाँ तक पहुँचने का, इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको खुद सोच रहे हैं और खुद ले रहे हैं। आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस और आपका स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों कह रहे हैं कि फैमिली नहीं मानेगी, भैया नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे। अरे कैसे नहीं मानेंगे यार, तो मैं बात करूँ उनसे बैठ के, बताओ मुझे ये नहीं पता, मैं यही करना चाहता हूँ, मैं आपको अच्छा करके दूंगा, गारंटी देता हूँ मैं, इस तरीके की बातें तो करो, करते ही नहीं यार, अपने ही दुखे भैया गाय जा रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स से बोले जा रहे हो, और फ्रेंड सर्कल में तो कभी नहीं फंसना। हमेशा बहुत से आपको फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको उल्टी सलाह देंगे, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल नहीं फंसना है, सिर्फ अपने से पूछना है आपका पोटेंशियल क्या है। आपके फ्रेंड कैसे बता सकते हैं आपका पोटेंशियल? आपको खुद पता होना चाहिए ना वो चीज़, ठीक है। यही मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि देखो आपकी तीन स्ट्रीम होती है, या तो आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, या फिर साइंस ले लो, तो आपको इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना होता है। मैं बताता हूँ, आर्ट्स जिनको मैथ और साइंस नहीं पसंद, मतलब उनको हिस्ट्रिकल सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है,
तो अपना आर्ट्स लेके आगे बढ़ सकते हैं। और आर्ट्स में क्या है, आपने ले तो लिया, अब आर्ट्स के बाद आप क्या करो, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक करियर पाथ का ऑप्शन दे दूंगा, उसमें हर चीज लिखी होगी, आर्ट्स में ये सारी करियर पाथ्स है, तो आपको उसको एक को सिलेक्ट कर लेना है और आराम से उसके ऊपर करते हुए चले जाना है इंप्लीमेंट। ठीक है, हर चीज की मैं बता नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉमर्स है, अगर आपको सीए वगैरह मैथ अच्छी लगती है, ठीक है, अकाउंटिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप इसमें चले जाए, साइंस नहीं पसंद है अगर आपको तो साइंस के लिए, तो देखो इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिखा पहले साइंस लिख दिया फिर कॉमर्स लिख दिया फिर आर्ट्स लिख दिया, मतलब मैंने बनाया इस तरीके से पहले आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि साइंस को मैंने ऊपर प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ ये सोच के चलना है। तो मेरा मानना ये है, आप पहले क्या कर लें कि एक चीज सिलेक्ट कर लें कि हम ये करना है, फिर जैसे मैंने आर्ट सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा मैथ और साइंस का मन ही नहीं है भाई, जब आपका मैथ और साइंस का मन नहीं है तो आप साइंस को कर ही नहीं सकते। हाँ या ना, हाँ या ना यार, बात बिल्कुल सच है, हम साइंस को कर ही नहीं सकते, जब मेरा इसमें मन ही नहीं है मैथ और साइंस में तो मैं साइंस को कर ही नहीं सकता, फिर क्या करूँ, कॉमर्स में क्या, कॉमर्स के लिए मैथ चाहिए होगी भैया, हाँ चाहिए होगी, चाहिए होगी ना, अकाउंटिंग करेगी वहाँ भी मैथ की कैलकुलेशन होती है, तो ये भी नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है भाई। अब मुझे पता चल गया मेरे जो चॉइस है, मैं आर्ट्स ले सकता हूँ। आर्ट्स लेने के बाद आपको ये देखना है कि हाँ जी इसमें कौन कौन से जॉब करियर है, करना क्या, क्या मैं फौजी बनना चाहता हूँ, क्या मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, आपको उनमें से देख के सबसे आसान रास्ता सिलेक्ट करके उसकी पे चलना है, चेंज नहीं करना कभी। बात समझ में आ गई, आगे ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आर्ट्स ही लेनी है आपको, समझ में आ गया, अगर मैथ और साइंस क्लियर नहीं है, अगर आपको मैथ और साइंस अगर अच्छे से आता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, किसमें, साइंस पे। ठीक है, अगर आपको क्या मैथ अच्छे से आता है तो आप यहाँ जा सकते हैं आराम से, कॉमर्स सिलेक्ट करिए। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं आप, ऐसे सिलेक्शन, मान लो किसको मैथ साइंस दोनों पसंद है फिर वो आर्ट सिलेक्ट करता है, तो मतलब क्या भाई, वो उसका ड्रीम कुछ और है, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता यार, जो आपको करना है आप ही को करना है, आपको आपका पोटेंशियल पता है, ठीक है, सारी चीज आपको अपने बारे में खुद ही पता है, मुझे क्या कुछ पता है नहीं, मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बनाऊंगा आपके लिए, सोचो जरा, खुद ध्यान लगाओ, मुझे आपका पोटेंशियल नहीं पता, आपका करियर मैं कैसे डिसाइड करूँगा, नहीं कोई नहीं कर सकता यार, आपको खुद ही अपना करियर खुद ही डिसाइड करना है, ये बात तो बिल्कुल समझ ले। ठीक है, तो और एक चीज़ और है, पैसन, लोग कहते हैं मेरा तो इस चीज़ में पैसन है, मैं तो क्रिकेटर ही बनेगा, देखो पैसन क्या होता है यार, अगर आपने उस पैसन के लिए अब तक कुछ करा है तो वो पैसन है, मतलब पैसन नहीं, कोई बोलते सिंगिंग में लिए पैसन है, ठीक है, क्या करा है देखो सिंगिंग में, कुछ नहीं करा तो पैसे कहाँ से हो गया, क्या वो पैशन होगा, नहीं होगा। इस तरीके से कोई बोलता है क्रिकेट खेलना मेरा पैशन है, तो क्या कुछ क्रिकेट में कर रखा है आपने, करा है तो पैशन है, नहीं कर रखा तो हटाओ, पैशन नहीं होगा, साइड में रखो, नहीं है मेरा पैशन वो। ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक 12th तक तो आप दबा के पढ़ गया, बिल्कुल दबा, ओनली कुछ नहीं आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, उसके बाद आपको एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना है, बढ़िया से पढ़ के मन लगा के एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको अच्छी लाइफ चले, वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कॉलेज में 3-4 साल का टाइम होता है, आराम से जो चीज़ देखनी है देखो, ठीक है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, आराम से पहले अपने फैमिली को आप क्या करिए, कॉलेज सेलेक्ट करके दीजिए अच्छा सा, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, आराम से देखिए कि आपका पैशन किस में, हमें भी नहीं पता यार, हमें भी नहीं पता होता अपना पैशन किस में, हम तो बस लगे हुए हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ। ठीक है, हमेशा सीखने की चाहत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई कुछ करवाया जा रहा है, करें जा रहे हैं कि क्या है पागल हो क्या, नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, मेरा सिर्फ ये बताने का मतलब है कि आप पहले 12th तक अच्छे से खुद का पोटेंशियल देख के किसी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट करने के बाद उस पर चलिए, चलने के बाद एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करिए, फिर वो हम आपको चीज छोड़ने वाले नहीं है, हम सारी चीजें देखेंगे, हम दुनिया में आ गए हैं। ठीक है, हमेशा बुक में नहीं घुसेंगे, अभी तक तो ठीक है, 12th तक तो आपको बुक ही बचाएंगे। ठीक है, वैसा होता है कि कोई अब क्लास 10th से निकल जाएगा अपना पैशन ढूंढने, तो ये थोड़ा होता है यार, पैशन चेंज होता रहेगा, फिर तो आप किसी चीज़ को देखोगे, आपको दोस्त को देखोगे, फैमिली मेम्बर्स को देखोगे, वहाँ भागे चले जाओगे, तो वो पैशन नहीं है यार, पैशन होता है कि आप उसके लिए अपनी लाइफ डिवोट कर सकते हो, क्या ऐसी चीज़ है आपके पास, अगर है सोची है तो आपने उसमें अभी तक क्या कर रखा है, मेरे को ये बता दो कमेंट में बस। ठीक है, तो ये होता है पैशन, तो आपको सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट अच्छा कर लेने के बाद 12th तक पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, कॉलेज अच्छा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ करके दिखाएंगे, कुछ सोचेंगे अपने बारे में, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ें तोड़ मोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था, बाकी तो आपको मेरे से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, और मैं आपको वीडियो में लिख दे दूंगा, उससे क्या होगा आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब कि स्ट्रीम टाइप का होगा, उसमें लिखे होंगे कि आर्ट्स में कौन कौन से स्ट्रीम्स होती है, मतलब कि कौन कौन से करियर ऑप्शन, कॉमर्स में कौन से हैं, साइंस में कौन से, उसमें आपको एक सिलेक्ट करना है और उसी पे चलना है। समझ में आएगी बात, समझ में आ रही है। ठीक है, मैं यही बताना चाहता था आपको,
और बाकी तो आप मेरे से अच्छा ही जानते हैं, ठीक है। हाँ तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, देखो अगर आपने टाइम खराब करा है अपना, यहाँ पे आपने मेरी वीडियो अगर देखी है, टाइम खराब हुआ ना आपका, कुछ तो टाइम लॉस हुआ। जब आप अपना 10-5 मिनट खराब कर दें तो कोई अच्छी चीज सीख के जाए। हम कॉमेडी वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन हमने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से कुछ सीखना है। तो कुछ सीखा सीखा तो नोट कर ले इसको कॉपी में। और प्लीज मेरा मानना ये है कि किसी को देख के अपना पोटेंशियल जज ना करें, अपना पोटेंशियल खुद जज करें, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। और यार देखो जाओ और अब पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय, सी यू।